गाइस आप लोगों का स्वागत है फिर से एक बार सस्ती ब्रोकर ट्रिपल सिक्स में। इस बार आप लोगों को हम लोग दिखाने वाले हैं कृष्णा मंदिर। हम और सस्ती भैया मिल के आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गाइस। और आज मैं जिस जगह का एक्सप्लोर करने वाला हूँ, शायद आप जब सुनेंगे या फिर देखेंगे तो आपको शायद बहुत खुशी होगा कि हमारे झारखंड में भी ऐसे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे कि लोगों को इलाज से लेकर बहुत कुछ यहाँ पे इस मंदिर में देखने को मुझे मिला है। तो गाइस ये सभी चीज जानने के लिए हमारा इस ब्लॉग का लास्ट तक बने रहे, तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। हे गाइस, तो आप सभी को हमारे साइड से राधे राधे। और देख सकते हैं हम और अभय आज फिर से न्यू जगह का एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो गाइस फाइनल रूप से मैं पहुंच चुका हूँ कटहलमोड़ तो पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से किधर राइट की ओर लेना है क्या? यहाँ से भी देख सकते हैं गाइस, ये रहा हमारा शशि ब्लॉगर 666। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा कहीं भी सर्च मार सकते हैं। ये देख सकते हैं हम लोग फाइनल रूप से कटहलमोड़ पहुंच चुके हैं। देखो ये कटहलमोड़ एरिया है, ठीक है। और ऊपर साइड देख सकते हैं अरगोड़ा चौक जो अभी दिखाया लिखा हुआ, अरगोड़ा रूट के अंदर अभी घुसने वाले अभी। तो चलो गाड़ी का शुरुआत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना स्टाइल में कुछ बोलना चाहते हैं, बोले का? हाँ, बोलो ना। तो कैसे हैं आप लोग? कैरी मराठी बोल रहे हो क्या? कैरी मराठी का बहुत चढ़ गया है। इधर इधर यहाँ से कटना। हाँ, तो गाइस देख सकते हैं हम लोग अरगोड़ा वाले रूट में घुस चुके हैं। तो गाइस ये वीडियो बहुत लॉन्ग बजा था, तो हम लोग बहुत शॉर्ट में लेकर चल रहे हैं, आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पे एक थाना है, जैसे ही आप अरगोड़ा वाले रास्ता में घुसेंगे। और देख सकते हैं फाइनल मंदिर का जो रोड है यही है, यही रूट जाता है। थाना था पहले का ना बता, हेलमेट ना पहने पुलिस धर लिया तो नहीं पकड़ेगा हम लोग का, हम लोग को नहीं पकड़ेगा पुलिस, टेंशन नहीं। हाँ, बोल देंगे ब्लॉगर है, बड़ा इज्जत तो बनता है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ से फाइनल जो रास्ता, देखो जो स्ट्रेट जाएगा इसमें घुसना, इसमें सीधा जाए। हाँ, सीधा यार, रास्ता तो ठीक नहीं लग रहा है ये है। अभी देखना यहाँ पे जैसे ये मंदिर थोड़ा भी प्रसिद्ध होगा ना, उसके बाद देख रहे हैं फिर सब चीज यहाँ पे, फिर दुकान लग जाएगा साइड में, पूरा साइड लग जाएगा, फुल बत्ती ले लो सस्ता में ले लो। तो गाइस देख सकते हो ये मंदिर तो देखने में काफी, वाओ कितना बढ़िया है। आप तो पहले हमको बताया नहीं, वाओ देखने से मजा आ गया, अट्रैक्टिव लग रहा है नहीं देखने से, मौसम भी देख के और मतलब जो मतलब व्यू आ रहा है, क्या बोले, कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नहीं हो गया? मजा आ गया। तो गाइस हम लोग देख सकते हैं फाइनल हम लोग मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। और आप लोग सब एंगल साइड से आप लोगों को लेकर दिखाएंगे कैमरा से भी, और किस तरह का ये मंदिर दिखता है। तो आप लोग हमारे मंदिर, ये सॉरी मंदिर बोल रहे हैं, ब्लॉग का लास्ट तक बने रहना गाइस। तो देख सकते हो गाइस ये सबसे साइड का है एंगल, एग्जिट है शायद इधर से। हाँ एग्जिट है। और इस मंदिर के अंदर तीन गेट है, दो बड़ा बड़ा गेट है और एक छोटा सा जो कि आप लोग देख पाए। और अभी हम लोग मंदिर में इंटर करने वाले हैं। और गाइस देख सकते हो हमारा बसंती यहाँ पे खड़ी है गुलाबो। तो गाइस ये फाइनल रूप से ये है, देख सकते हैं मंदिर। और फाइनल गाइस देख सकते हो ये मंदिर फ्रंट से कुछ इस तरह का नजारा दिख सकता है आपको जब वहां जाएंगे तो। और भी कुछ बहुत कुछ अंदर देखने को मिलने वाला है आप लोगों को, तो हमारा ब्लॉग का लास्ट तक जरूर बने रहिएगा गाइस। चलिए अब अंदर चलते हैं। मौसम भी मस्त है आज और धूप भी ऐसा है, तो व्हाइट कलर है ना, तो इससे चमक रहा है एकदम, और भी अच्छा अट्रैक्ट कर रहा है वीडियो को, मस्त लग रहा है वीडियो। धूप लग रहा है, शरीर तो जल रहा है, बट भाई मजा आ रहा है ब्लॉगिंग करने में। तो गाइस फाइनल रूप से देख सकते हो हम लोग अभी चल रहे हैं मंदिर की ओर, और गेट के पास हम लोग खड़े हैं। और ये देख सकते हैं मंदिर का अंदर का नजारा, सामने राधा कृष्ण का मूर्ति बना हुआ है। इस मंदिर का बनावट भी बहुत अच्छा है, नहीं देखो ना इसका डिजाइन कितना अच्छा से किया हुआ है। तो चलो गाइस हमारे साथ रेडी हो जाओ अंदर चलने के लिए, सो लेट्स गो। मजा आ रहा है, पूरा टाइल्स का है ना, सब चीज टाइल्स का बना हुआ है। तो गाइस देख सकते हो हम लोग अभी फाइनल रूप से इस मंदिर के अंदर आ चुके हैं गाइस, और आगे चलकर बताएंगे ये मंदिर है कहाँ। ऊपर में लगता है पूरा कांच सजाया गया है ना, देखो प्रणाम जी,
और देख सकते हैं जय श्री राधे कृष्ण, बहुत कुछ इस पे लिखा हुआ है। अच्छा, अभी मूर्ति नहीं स्थापित हुआ है क्या? नहीं। तो गाइस देख सकते हो, ये फर्स्ट फ्लोर है, मतलब नीचे का। और यहाँ पे ये हकीकत बोलू, ये एक ऐसा मंदिर मेरे को दिख रहा है ना कि मतलब क्या बोलू, एक लौता ऐसा मंदिर दिख रहा है जो कि थर्ड फ्लोर। और गाइस इस मंदिर के अंदर 3 कैटेगरीज बांटा हुआ है, मैं हर एक चीज बताऊंगा इस मंदिर के बारे में। और देख सकते हैं गाइस, मंदिर के अंदर जाने के बाद बाहर का नजारा कुछ इस तरीके का साइड का दिखता है, काफी अच्छा लग रहा है। नहीं, हम लोग देख सकते हैं जिसको बरांडा बोलते हैं, वो बरांडा के अंदर हम लोग बाहर आ चुके हैं और बाहर से आप लोगों को दिखा रहे हैं। और ये मंदिर के अंदर देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे देखो लिफ्ट भी लगा हुआ है, हम लोग चाहे तो लिफ्ट का सहारा ले कर वही तो मेरा रांची में ऐसा पहली बार देख रहे जहाँ लिफ्ट है और 3-4 फ्लोर है मंदिर में, मतलब यूनिक टाइप में बनाया गया है इसको। तो चलिए गाइस, हम लोग फर्स्ट जहाँ पे राधे कृष्ण का मूर्ति स्थापित होने वाला था उस जगह हम लोग घूम लिए, अब इसके ऊपर चलते हैं, इसके ऊपर क्या है तो चलिए जानते हैं। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे ऊपर सेकेंड फ्लोर का तो और भी भाई तगड़ा दिख रहा है। नहीं, वाव, यहाँ का व्यू, बाहर का नजारा मस्त है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो गाइस अगर आपने कभी अगर नहीं घुमा तो प्लीज इस प्लेस पे जरूर आइएगा, यहाँ का इंटीरियर का ये आउटर पार्ट का देखना। यहाँ पे ये सेकेंड फ्लोर पे आने का जो लिफ्ट है यहाँ पे अभी सब में काम ही चल रहा, नहीं दिख रहा है ये, अभी आधा ही काम हुआ है लगता है, पूरा बनने के बाद तो इसका मजा ही अलग होगा। तो गाइस हम लोग चलते हैं अंदर, आइए आगे निकलिए जल्दी। और यह गाइस सेकेंड फ्लोर पे इस मंदिर के ऐसा बनाया हुआ है कि ये मतलब जैसे बाहर से कोई भी लोग आते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रह सकते हैं क्या, क्योंकि साइड से रूम भी बनाया हुआ है और अंदर में हॉल टाइप से है। और देख सकते हैं सामने, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टैचू भी बना हुआ है, कोई ये तो राधे कृष्ण के स्टैचू नहीं, राधे कृष्ण कुछ कोई और ही लग रहे हैं शायद मेरे ख्याल से। ये देख सकते हो क्या है, कौन सा, ये तो हमें भी नहीं पता, राधे कृष्ण हुए तो राधे कृष्ण होंगे शायद, नहीं पता। और ये इधर इधर तो क्या ये मतलब क्रांतिकारी थे शायद, नहीं शायद ये है आश्रम में जो बाबा लोग रहते हैं ना उस टाइप का है कुछ दिखाया। तो गाइस यहाँ आप लोगों ने घुमा दिया, अब चलते हैं थर्ड फ्लोर पे। गाइस सेकेंड फ्लोर आप लोगों को घुमा दिया हमने, ये देख सकते हो साइड से जितना भी बाहर का जो गेस्ट लोग आते हैं ना वो सभी लोग यहाँ पे रहते हैं, मतलब कि यह एक ऐसा मंदिर जहाँ पे आप आकर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टे कर सकते हैं। यहाँ से बाहर का नजारा भी देख सकते हैं। तो गाइस देख सकते हो बाहर का नजारा कितना मस्त दिख रहा है, आज मौसम भी हम लोग को साथ दे रहा है ब्लॉगिंग में, नहीं लेकिन गर्मी पड़ रहा है, गर्मी तो है खैर मानना पड़ेगा, झुलस गए हैं इस वक्त। आप लोग के लिए ब्लॉगिंग कर रहे हैं हम लोग, तो अगर आप लोग अभी तक इस चैनल में बने हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लास्ट तक वीडियो देखें। और ऐसे भी हम लोग को वीडियो का प्यार बहुत अच्छा ही मिल रहा है, 16,000 तो 28,000 15,000 17,000 जा रहा है। गाइज ये सब आप लोग का प्यार है जो कि ऐसे बनाते रहिए, इसी तरीके से बनाते रहिए, हम लोग मोटिवेट होते रहेंगे और आप लोग को और इससे बढ़िया बढ़िया चीज़ दिखाएंगे। तो गाइस थर्ड फ्लोर पे आने के बाद मैंने बाहर का नजारा दिखा दिया है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अंदर। तो गाइस अब हम लोग चल रहे हैं थर्ड फ्लोर पे, क्या ये थर्ड फ्लोर है ना, यहाँ पे आश्रम है शायद, नहीं आश्रम नहीं है, कुछ होगा यहाँ पे मरीज का शायद। वहाँ देखिए वहाँ से अंदर थर्ड फ्लोर का गाइस ये व्यूज है, थर्ड फ्लोर पे चढ़ने के बाद और भी अच्छा लगता है ये। ओह माय गॉड, इतने सारे लोग यहाँ पे दिख रहा है, पेशेंट है क्या है, आते हैं घर का फैमिली लोग
यहाँ पे मतलब ये झारखंड का पहला ऐसा मंदिर दिख रहा है जहाँ पे मतलब ये चीज़ का सुविधा दिख रहा है, जो लोग अपने माइंड से संतुलन खो चुके हैं उनको ठीक कर कर उसको विदाई करते हैं, विदाई कर दिया जाता है। तो यहाँ से यहाँ पे डॉक्टर लोग आते होंगे ना? अच्छा, ये सब जितने भी लोग रांची से ही हैं कि बाहर बाहर के भी लोग हैं? तो गाइज ये देख सकते हो, ये श्री कृष्ण परिणामी सेवा धाम है, यह एक ट्रस्ट है और बहुत अच्छे से यहाँ पे सभी लोग को देखभाल किया जा रहा है। देख सकते हैं मैंने पूरे मतलब क्या बोलूँ, अंदर जाने का उतना परमिशन नहीं मिला क्योंकि थोड़ा सा जिस तरह के लोग थे किस तरह का ट्रीट करेंगे, इसीलिए हम लोग ज़्यादा गेट के पास से ही वीडियो बना लिए हैं। और देख सकते हैं गाइस हम लोग जिस तरीके से आए थे, साइड व्यूज कितना अच्छा दिखता है इस मंदिर का। और ये मंदिर काफी दूर में फैला हुआ है, नहीं बहुत बड़ा है। तो गाइस फाइनल रूप से आप देख सकते हो हम लोग अब मंदिर का टॉप पे जा रहे हैं, सबसे ऊपर। बहुत गर्मी होगा, धूप है। माइक अच्छे से लगा लो ना तुम, आवाज थोड़ा दोबारा। तो हे गाइस देख सकते हो बाहर का नजारा कैसा दिख रहा, लग रहा है कि हम लोग बर्फ में आ चुके हैं, नहीं हिमालय हिमालय। तो गाइस थैंक यू सो मच, इसी तरीका से आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं।